नमस्कार, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं विजय मिश्रा अमित आज आपको बताने जा रहा हूं कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़े दो पौधों के बारे में। एक पौधा तो है कदम, जिसको आप भली भांति जानते हैं। ये देखिए कदम फला हुआ है। और दूसरा है कृष्णा वट। ये है कृष्णा वट। कृष्णा वट भगवान श्री कृष्ण और वट, इन दो नामों को मिलाकर बना हुआ है, कृष्ण और वट। वट है बरगद जाति का एक वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में दही मक्खन कहीं से चुराते थे अपने सखा के साथ, दोस्तों के साथ, तो उसे खाने के लिए उन्हें पत्तों को मोड़कर इस तरह दोना बनाने की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस तकलीफ को देखते हुए प्रकृति ने एक ऐसे वृक्ष को जन्म दिया जिसके सारे पत्ते अपने आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं और दोने की शक्ल में ले लेते हैं। ये देखिए, ये सारे पत्ते आप किसी भी देखिए, आपको ये दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, बहुत ही करीब जाकर इसके सारे पत्ते पीछे की ओर मुड़कर दोना के शेप में ले लेते हैं, दोना के आकार में। इसलिए इसका नाम पड़ा कृष्णा वट। हमें बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में मंदिर में विशालकाय कृष्णा वट है। और एक हमारे अग्रोहा सोसाइटी अग्रसेन नगर के गीता वाटिका में दस वर्ष पूर्व मैंने इस कृष्णा वट को रोपित किया था। जबलपुर के श्री सोहन लाल द्विवेदी, जो कि बोनसाई विशेषज्ञ हैं, गुप्तेश्वर में उनका विशाल काय बोनसाई का भंडार है, बोनसाई बसेरा, उनसे मैंने लिया था ये कृष्णा वट को, जो आज 10 वर्ष पूरे करके कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। तो आइए देखें, एक एक पत्ते को निहारें, आपको लगेगा हर पत्ता कहीं से भी तारण होता है और दोने का रूप ले लेता है। ये देखिए, ये देखिए, किसी भी पत्ते को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो दोना के शेप में आ रहा है। ये देखिए, पूरे छोटे से छोटे पेड़ में, और इसका फल भी बिल्कुल बड़ा ही सुंदर प्यारा सा पक्षियों को मोहित करता है, लाल कलर का। ये देखिए, एक बार फिर आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।